यूं तो कन्नड़ सिनेमा बहुत ही रिच सिनेमा है दोस्तों। बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं रीजनल फिल्म्स कन्नड़ लैंग्वेज में कि आप देखते हैं और आप खुश हो जाते हैं। हर साल कोई ना कोई नेशनल अवार्ड जीत के ले जाती है कन्नड़ सिनेमा की फिल्में। लेकिन 2018 में एक ऐसी बड़ी कन्नड़ फिल्म आ रही है जो कि हैवी बजट फिल्म है और कन्नड़ सिनेमा के इतिहास में आई गेस इससे बड़ी कोई फिल्म नहीं बनी। मैं बात कर रहा हूँ KGF की। जी हाँ दोस्तों, KGF जिसमें कन्नड़ सुपरस्टार यश है, इंडियन एक्टर यश, आपको बता दूं एक अलग ही लुक में लग रहे हैं और उनको देखकर मुझे कहीं ना कहीं करंट जनरेशन के अमिताभ बच्चन जो है, मतलब जितना एंग्री यंग मैन का जो गुस्सा होता है उनकी याद आ जाती है। चलिए बात करते हैं KGF के ट्रेलर में क्या क्या चीजें हैं खास। सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों कि KGF की जो स्टोरी है वो 1951 से शुरू होती है। एक बच्चे का जन्म होता है, यहाँ पर कोयला मिलता है और धीरे धीरे सारी जर्नी शुरू हो जाती है। अगर आप दोस्तों इसके बैकग्राउंड को देखेंगे ध्यान से तो कहीं ना कहीं आपको मैड मैक्स फ्यूरी रोड याद है, आपको जो आई थी फिल्म जिसमें चार्लिज थेरॉन्स थी, तो उसी के सेट की याद आ जाएगी। वो जो रस्टिक लुक दिया गया है फिल्म को वो देखने लायक है। और एक्शन के मामले में तो भाई साउथ की फिल्में होती ही ट्रिमेंडस है, ग्रेविटी डिफाइनिंग एक्शन सीन्स होते हैं, तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसे ही खतरनाक एक्शन सीन नजर आते हैं। यश की एंट्री की बात करूं दोस्तों तो यश की एंट्री बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। यश को देखकर लिटरली बच्चन साहब की कहीं ना कहीं याद आ जाती है और वो जो एक एंग्री यंग मैन की जो इमेज थी बच्चन साहब की 70s के दौरान 80s के दौरान वो हमें याद आ जाती है। KGF में हमें और इस ट्रेलर में हमें और भी बहुत सारे कलाकार दिखते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल श्रिंधी शेट्टी दिखती हैं, वशिष्ठा एन सिम्हा दिखते हैं, राम्या कृष्णन भी दिखती हैं। सो ओवर एंड ऑल अगर देखा जाए दोस्तों तो KGF के ट्रेलर में हर वो मसाला है जो कि 21 तारीख यानी कि 21 दिसंबर को जब रिलीज होने वाली है फिल्म तो उसको कड़ी टक्कर देने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे शाहरुख खान की जीरो के बारे में दोस्तों। जीरो के ट्रेलर को ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स मिला था। वहीं कन्नड़ा फिल्म ये जो है जो कि हिंदी इंग्लिश जापनीज में भी जा रही है, तमिल तेलुगू कन्नड़ा इन सब में रिलीज होगी दोस्तों। और हिंदी के जो राइट्स हैं वो तो रितेश सिद्वानी एक्सेल एंटरटेनमेंट और फरहान अख्तर ने खरीद लिए हैं और वही लेकर आए हैं इस फिल्म को, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आपको बता दूं कि साउथ की फिल्मों को इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता था, लेकिन जिस तरीके से बाहुबली गई धर्मा प्रोडक्शन के पास, 2.0 धर्मा प्रोडक्शन के पास गई और अब ये वाली फिल्म KGF ले लीजिए आप, तो ये भी गई है सेम एक्सेल एंटरटेनमेंट। तो बॉलीवुड अब इंटरेस्ट दिखा रहा है रीजनल फिल्म्स को और उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म दे रहा है। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरीके से ये 21 तारीख को रिलीज होती है, 21 तारीख को शाहरुख खान की फिल्म के साथ कैसे क्लैश करती है, कितना ज्यादा अमाउंट करेगी वगैरह वगैरह सारी बातें। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपको ट्रेलर कैसा लगा ये भी बताएं और बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं ना राहुल भोज।